दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के विषय में कि कमलनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अतिथि शिक्षक को बोनस अंक के रूप में 25 अंक मिलेंगे। खबरें पूरी हम देख रहे हैं आज के वर्तमान समय में टेलीविज़न सेट पर और भी ट्विटर के माध्यम से आप देख रहे हैं जानकारी। तो अतिथि शिक्षक को जो बोनस अंक मिलेंगे, यह कैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह पूरी जानकारी के देखने के लिए हमारा वीडियो देखते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक अतिथि शिक्षक को जानकारी प्राप्त हो। तो हम देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं सैयद जफर सर का ट्विटर अकाउंट, अतिथि शिक्षक सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, कर्मचारियों के हक के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने स्कूली शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। पिछले साल कम से कम 3 महीने कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक को 25 अंक बोनस के दिए जाएंगे। अर्थात पिछले वर्ष जो 18-19 में ऑनलाइन भर्ती हुई थी, उस भर्ती में कम से कम 3 महीने जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को 25 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। यही इनके ट्विटर अकाउंट से जानकारी मिली है और भी टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसे भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं, अतिथि शिक्षक को दिए जाएंगे 25 बोनस अंक। यह है टीवी न्यूज़ चल रही है, टेलीविज़न पर आप देख सकते हैं आज की न्यूज़ जो है यह चल रही है। और हम देखते हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिया था यह प्रस्ताव। अर्थात जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने प्रस्ताव दिया था यह, और सीएम कमलनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अर्थात यह बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि हमें अतिथि शिक्षक को 25 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। 3 माह या अधिक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक को बोनस अंक मिलेंगे। यह जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश की साइट पर दिया गया है आज की डेट। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 18-19 में अतिथि शिक्षक पोर्टल से चयनित एवं 3 माह या इससे अधिक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को 25 अंक का बोनस दिया जाएगा। डॉक्टर चौधरी ने यह निर्णय पूर्व में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक की मांग पर लिया। इस निर्णय से गत वर्ष कार्य कर चुके लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक लाभान्वित होंगे। शैक्षणिक सत्र 19-20 में प्रथम चरण में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक को रखने की पूर्व वर्ष की व्यवस्था को निरंतर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पात्रता अनुसार बोनस अंक देने के बाद विकासखंड स्तर पर स्कोर कार्ड जनरेट होने व पैनल बनाया जाएगा। पैनल में दर्शित आवेदक संबंधित स्कूल में आवेदन करेंगे और स्कूल के प्राचार्य स्कोर कार्ड में मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षक रख सकेंगे। इस बात से स्पष्ट होता है कि यह पैनल सिर्फ बोनस अंक जो दिए जा रहे हैं, यह बोनस अंक 25 अतिथि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दी जा रहे हैं। यह जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से लिया गया है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि यह कमलनाथ सरकार का फैसला आज तत्काल लिया गया है। अर्थात इससे 70,000 अतिथि शिक्षक जिनका ऑनलाइन चयन पिछले वर्ष किया गया था, उन्हें 25 बोनस अंक दिए जाएंगे और जो ऑफलाइन हुए थे उनके लिए किसी भी प्रकार के नियम अभी नहीं आए गए हैं। यदि विगत वर्ष में किसी ने ऑफलाइन काम किया है तो उसको किस आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस संबंध में सरकार ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन ऑनलाइन जिसकी काउंसलिंग हुई थी और वह ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत अतिथि शिक्षक बना था, उसे 25 बोनस अंक के रूप में दिए जाएंगे और अभी सिर्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्थात वर्ग 1 के पद पर ही अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी। हमारे चैनल को लाइक करें।